नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ धनिया धोने। धनिया वही जो मसाले इत्यादि में पड़ता है, ये धनिया है। देखिए, इस तरह से बाजार से आता है तो हम इस तरह से इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गंदा होता है। खेतों में उगता है तो मिट्टी वगैरह लगी जाती है, तो हम इसे धोकर इस्तेमाल करें। तो मैं धोने जा रही थी, तो मैं आपको दिखाते चलती हूँ कि मैं किस तरह से इसे धो रही हूँ, ताकि ज्यादा जो कंकड़ इत्यादि रहेगा वो भी निकल जाएगा। तो मैं बहुत ही आसान है इसको धोना, बहुत से लोग नहीं धुल पाते हैं, तो मैं उनके लिए बता दे रही हूँ, दिखा रही हूँ कि कैसे धुलती हूँ मैं। ये देखिए, ये जो धनिया है बहुत आसानी से धुल जाएगा। पहले मैं इसे एक बर्तन में डाल लेती हूँ, इसमें हम उसके बाद पानी डाल लेंगे, और हमें जरूरत पड़ेगी आटा चलने वाली जो चलनी होती है उसकी सहायता से हम इसे आसानी से धो लेंगे, एक भी दाना गिरेगा नहीं। तो इस बर्तन में पानी डाल लेती हूँ मैं। ये देखिए, धनिया हमारा ऊपर हो जा रहा है, हाथों की सहायता से हम इसे थोड़ा सा इसको थोड़ा मसल देंगे, तो ताकि जो भी कंकड़ मिट्टी वगैरह है उसमें धुल जाए, मिट्टी बह जाएगी, गल जाएगी इसमें, और कंकड़ है जो नीचे बैठ जाएगा, रेत इत्यादि जो रहेगा वो बैठ जाएगा। नहीं है तो अच्छी बात है, और है तो उसमें बैठ जाएगा। तो पहले हम इसे एक बार धुल लेते हैं ऐसे ही, तब फैलाएंगे। मैं बाल्टी लिया हुआ है, और यहाँ पे लिया है मैंने एक चलनी। तो चलनी में हमें ऊपर ऊपर ही गिराना है, झटके से पूरा नहीं गिराना है, थोड़ा सा गिराना है। मैं अभी पूरा गिरा लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक बार और धोना है इसे। मैं इसे इस चलनी से ही इसको पलट दे रही हूँ, मुझे एक बार और धुलना है। ये आटा चालने वाली ही चलनी है, मैंने उसे सिंपल सा हल्का सा धोकर ले लिया था। अब मैं फिर एक बार इसमें पानी डाल लेती हूँ, बहुत ही आसानी से धुल जाएगा दोस्तों, एक भी दाना आपका गिरेगा भी नहीं, बर्बाद भी नहीं होगा। हाथों से एक बार हम इसे और कर लेते हैं, धोल लेते हैं अच्छे से। अब मेन प्रोसेस क्या है वो देखिए, कुछ कंकड़ दिख जा रहा है, कुछ मिट्टी वगैरह, तो आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसे कैसे करना है, ऊपर ऊपर ही हल्का हल्का हिलाते हुए हमें हाथों को थोड़ा थोड़ा बड़ा इस तरह से हिलाते जाना है। ये बहुत ही पुरानी विधि है दोस्तों, इसे हम परियाना भी बोलते हैं, परियाना विधि, जिससे कंकड़ इत्यादि बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इतना निकल गया है, पहले मैं इसे फैला लेती हूँ कपड़े पे, उसके बाद फिर इस वाले में और पानी डालूंगी, और उसके बाद से तब इसे धुलूंगी। दोस्तों, मैंने उतना फैला दिया था, अब मैं जो बचा हुआ है इसमें फिर से पानी डालती हूँ, और इसे फिर परियाती हूँ। किसी आप दादी अम्मा से पूछेंगे तो जरूर वो बताएंगे कि किस तरह से परियाया जाता है। उत्तर प्रदेश की भाषा है दोस्तों, बाकी मुझे नहीं पता और प्रदेश में से कैसे बोलते हैं। तो एक बार मैं इतना हुआ, फिर नीचे वाले में कंकड़ होने का डर रहता है, तो इतना मैं फिर फैला देती हूँ, कपड़े पे डाल देती हूँ। अभी मैं वो भी दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ पे कपड़े पे इसे डाला हुआ है। दोस्तों, ये तीसरी बार मैं करने जा रही हूँ, इसमें मैंने और पानी डाल लिया था, अब इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम करते जाएंगे, क्योंकि नीचे हो सकता है कंकड़ इत्यादि हो। देखिए दिख रहा है नीचे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको पास से। ये देखिए, इसमें गंदा गंदा सा दिख रहा है आपको। अब इसमें मैं थोड़ा और पानी डालकर एक बार और करती हूँ, थोड़ा ही पानी डालूंगी। देखिए दोस्तों, आप देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। बस मैं अपना काम कर रही थी, तो मैंने वही आपके साथ शेयर किया। देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, इसी तरह से छोटे छोटे घरेलू जीवन से संबंधित। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसमें क्या क्या गंदगी निकली है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो ये बीनने में नहीं आते, बहुत मुश्किल होती है। इस तरह से दोस्तों, रेत, छोटे छोटे रेत, कंकड़ इत्यादि भी बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। जो इसमें था वो निकल गया है, यानी नीचे बैठ गया है। देखिए, ये गंदा वाला हम फेंक देंगे, इसमें महीन महीन रेत इत्यादि। इसी तरह से हम रामदाना, सरसों इत्यादि भी धो सकते हैं। मैं इसको धुलूंगी तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं धुल रही हूँ रामदाना, सरसों, तिल, यानी जो भी छोटे छोटे से चीजें होती हैं जो हम किचन में इस्तेमाल करने से पहले उसको हम धो सकते हैं, किस तरह से बहुत ही आसानी से धो सकते हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगी जब मैं धुलूंगी। तो अब मैं इसे चल रही हूँ फैलाने, फैलाती हुई मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसे गिराया हुआ है, ये रहा जो मैं लास्ट में लेकर आई थी,
इसे भी मैं फैला देती हूँ। बहुत ही हमारा जो धनिया है बिल्कुल साफ हो गया है। मोटे मोटे कंकड़ आप हाथों से बीनकर निकाल सकते हैं, और महीन वाले जो कंकड़ होते हैं वो इस तरह से धुलकर साफ कर दीजिए। बिल्कुल आपको ज्यादा फटकना झटकना कुछ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से ये साफ हो जाएगा। और धुलने के बाद एकदम उसकी चमक भी इसमें कितनी अच्छी आ जाती है। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी अच्छे से यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।